हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा में चुनावी कैंपेन कर रही है। आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा में पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा पहुंचे। चीमा ने कहा केजरीवाल की 5 गारंटियों पर दिल्ली और पंजाब के लोगों ने वहां पर सरकार बनाई, अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और 5 गारंटी लागू की जाएंगी। वहीं कोर्ट के शंभू बॉर्डर फैसले को लेकर भी चीमा ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। क्या कहा? पानीपत शहरी के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुना, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को सुना और आज से इसी कष्ट से पता चलता है कि आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार सत्कार दे रहे हैं और हम 5 गारंटियां हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने हरियाणा की धरती पे आके 5 गारंटियां हरियाणा के लोगों के लिए दी हैं। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ 5 की 5 गारंटियां हम हरियाणा में पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हमारे कौमी कन्वीनर मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री हैं और जितनी गारंटियां हमने दिल्ली में दी थी उन सभी गारंटियों को हमने पूरा किया और जितनी गारंटियां हमने 5 गारंटियां देके पंजाब में सत्ता में आए थे और हमने 4 गारंटियां पूरी कर दी, 1 गारंटी बची है। सो 2 साल के भीतर मेरा कहने का भाव, जब हरियाणा में हम आएंगे तो जितनी गारंटियां हमने दी है सभी को हम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने जो किसान ठीक है देश के प्रधानमंत्री साहब से बात करना चाहते थे, जो किसान अपनी मांगों को लेके दिल्ली जा रहे थे उनको किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका। किसानों को किसने गोलियों से मारा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मारा। किसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी? किसानों की आवाज बंद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो मैं समझता हूँ अब सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस मसले का हल निकालना चाहिए और जितनी भी किसानों की मांगे हैं उनके बैठ पे बातचीत करके उनका हल निकालना चाहिए। ये एक झूठा फर्जी केस मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने बनाया था और 17 महीने के बाद जमानत मिली है। बिल्कुल इस बार दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे और हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाई।